और अनुराग जी कैसे हैं? शायद आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोग के सामने जो है गुड इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, तो आप पूरे अंत तक जो है इस वीडियो को वॉच करेंगे, पूरे अंत तक जो है इस वीडियो को देखेंगे। और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और साथ में एक लाइक बटन को जरूर प्रेस कर देंगे। मैं आप लोग को जो है आज बताने वाला हूँ, यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है जारी हुआ है उसमें जो है आप लोग का एडमिशन जो है कैसे आप ले सकते हैं। अगर आपने जो है पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है जिस कॉलेज में आपका नाम आया है, कॉलेज में नाम आने के बाद जो है कैसे आप एडमिशन ले लेंगे, ठीक है, स्लाइडर की जो है प्रक्रिया कैसे होती है, इस सारे प्रोसेस को जो है हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग इस चीज को जानेंगे कि स्लाइडर जो है कैसे हम करेंगे, ठीक है, स्लाइडर कैसे करें। देखिए सबसे बड़ी सवाल जो है यहाँ पे यही आ रही है बच्चों के मन से कि सर जो है मुझे मनपसंद कॉलेज जो है नहीं मिला है। तो मनपसंद जब आपको कॉलेज नहीं मिला है, यानी कि आपके घर से मान लीजिए कि आपका घर जो है यहां पे है, ठीक है, और यहां से 40 किलोमीटर दूरी आप तय करके जो है आप इस विद्यालय में जो है पहुंच रहे हैं, ठीक है, तो आपको आने जाने में जो है बहुत ही ज्यादा तकलीफ है। तो आप क्या करेंगे कि इस कॉलेज पर जाएंगे, इस कॉलेज में जाएंगे जिस कॉलेज में आपका नाम आया है। उस कॉलेज में जाने के बाद जो है आप क्या करेंगे कि स्लाइड अप की प्रक्रिया को अपनाएंगे। किसकी प्रक्रिया को अपनाएंगे? स्लाइड अप की जो है प्रक्रिया को जो है आपको जो है क्या करना है, अपनाना है। यानी कि आप जो है इस कॉलेज को पसंद नहीं करते हैं, आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जो है कॉलेज पसंद करना चाहते हैं, होम डिस्ट्रिक्ट में जो है कॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि इस कॉलेज में जाएंगे और जाने के बाद जो है वहां स्लाइड अप की प्रक्रिया को अपनाएंगे। स्लाइड अप की प्रक्रिया को अपनाने के लिए जो है आपको 3000 रुपये की जो है फी अदा करनी पड़ती है, यानी फी आपको लगेगा कितने है, 3000 रुपये। और आप जो है बोलेंगे इस कॉलेज में जाकर कि सर मैं आपके कॉलेज में जो है एडमिशन नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि हमारे घर से जो है आपका कॉलेज जो है 80 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए जो है मैं आपसे कॉलेज में लेना एडमिशन नहीं चाहता हूं, तो प्लीज आप मुझे जो है स्लाइड अप कर दीजिए। तो स्लाइड अप जब आप करिएगा तो एक चीज को याद रखेंगे कि स्लाइड अप की प्रक्रिया कब करिएगा, सब कॉपी दीजिएगा, जो भी कॉपी दीजिएगा आप अपना ओरिजिनल कॉपी जो है मत दीजिएगा, सब कॉपी जो भी देना है आपको क्या देना है, फोटो कॉपी देना है, क्या देना है, फोटो कॉपी देना है, और प्लस में जो है 3000 रुपये जो है उनको देना है कि सर आप जो है स्लाइड अप कर दीजिए। अगर वह नहीं करते हैं तो आप जो है उन पे डायरेक्ट एक्शन ले सकते हैं। एक काम करिएगा, जब आप उन्हें पैसा 3000 रुपये और फोटो को भी जब आप दीजिएगा स्लाइड अप के लिए, तो एक क्या छोटा सा जो है वीडियो लूप छुपा के जो है आपको क्या करना है, बना लेना है, ठीक है, क्योंकि आपने पैसा दिया है। और यह कॉलेज वाले, बहुत ऐसे कॉलेज वाले होते हैं जो स्लाइड अप नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि मेरे ही कॉलेज में बच्चे का जो है एडमिशन हो जाए, लेकिन आपको जो है तकलीफ होगी, दिक्कत होगी, इसलिए जो है प्रूफ के लिए एक वीडियो बना लीजिएगा और पैसा फोटोकॉपी दे दीजिएगा। ओरिजिनल कभी भी मत दीजिएगा, ओरिजिनल दीजिएगा अपना डॉक्यूमेंट्स, तो आपके ऊपर जो है संकट आ सकता है। क्यों आ सकता है? कि वह आपका एडमिशन उसी कॉलेज में ले लेगा, ठीक है, तो इसलिए जो है आप उसे क्या देना है, आपको सिर्फ फोटोकॉपी ही देना है और 3000 रुपये देना है और बोलना है कि सर आप मेरा जो है स्लाइड अप कर दीजिए। तो आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जो है चले आइएगा, होम डिस्ट्रिक्ट में जो है आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर ऐसे आप नहीं करते हैं तो स्लाइड अप की प्रक्रिया कोई भी करने का जो है जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हाँ मैं जो कॉलेज हमको मिला है, ठीक है, कॉलेज मिला है उसी कॉलेज में जो है हमें एडमिशन लेना है, तो ले सकते हैं, ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे, क्योंकि आज से जो है आप लोग का एडमिशन जो है चालू हो चुका है। 24 से लेकर जो है 28 तक जो है आपका एडमिशन चलेगा, 24 तारीख से लेकर जो है 28 तारीख तक एडमिशन चलेगा, और इसी बीच जो है 24 से 28 के बीच में जो है स्लाइड अप की जो है व्यवस्था की गई है, यानी स्लाइड अप प्रक्रिया भी जो है चलेगा। तो आज ही जाकर कॉलेज में जो है आप अपना आवेदन दे दीजिए, फोटोकॉपी और 3000 रुपये दे दीजिए, ताकि जो है आपका स्लाइड अप हो जाए और आपका एडमिशन हो जाए। क्योंकि कॉलेज वाले के जो है क्या होते हैं, सिर्फ स्लाइड अप होती है, लेकिन आपको कॉलेज कौन देता है, तो भी चीज को याद रखेंगे, आपको कॉलेज जो है BSEB यानी कि बोर्ड देता है, ठीक है, या कॉलेज वाले आपको जो है सीट नहीं देते हैं, कौन देते हैं, BSEB वाले देते हैं। तो इसलिए जो है आप कॉलेज में स्लाइड अप की प्रक्रिया को अपना लेंगे अगर चाहते हैं तो, नहीं चाहते हैं तो जिस कॉलेज में आपका नाम आया है उसी कॉलेज में जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।